आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल राघव चड्ढा को कोर्ट की तरफ से सरकारी बंगला खाली करने का आदेश मिला है, यानी कि दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने राघव चड्ढा को टाइप 7 बंगला खाली करने का आदेश दिया है। राघव चड्ढा जी जिस प्रकार से एक बंगले के लिए लड़ रहे हैं और कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली, अब कोर्ट ने उल्टा कर दिया है। जो उनको एक राहत बीच में मिली थी इंटरिम, इस लड़ाई में बंगले की लड़ाई से ऐसा लगता है कि जो आम आदमी पार्टी ने बड़ी बड़ी चीज़ें कही थी शुरू में, हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, ये सब कहने की बातें थी, अब इनका मूल फोकस रह गया है कि हमें बंगला ही मिलना चाहिए, किस टाइप का बंगला मिलना चाहिए। एक यहाँ पर वो लड़ रहे हैं कि मुझे बड़ा बंगला मिलना चाहिए, छोटा नहीं मिलना चाहिए, केजरीवाल जी मेरे लिए एक आलीशान शीश महल होना चाहिए। तो इनकी सबकी जो लड़ाइयाँ हैं वो जनता की सेवा से लेना देना नहीं है, एकमात्र बंगला गाड़ी घोड़ा ये सब जो इनकी सुविधाएं हैं उसकी लड़ाई है। और शराब घोटाले पे तो आज तक कोई स्पष्ट जवाब तो दिया नहीं कि क्यों घोटाला हुआ है, घोटाले में जो आरोप लग जा रहे हैं इसके सीधे जवाब क्या है। तो ये आम आदमी पार्टी के राजनीतिक दोहरेपन को दर्शाता है। इससे पहले राघव चड्ढा को एक प्रस्ताव में 5 सांसदों के कथित जाली हस्ताक्षर करने के आरोप के बाद राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। आपको बता दें, आप सांसद राघव चड्ढा की शादी पिछले सप्ताह ही बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा से हुई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।